नमस्ते, धर्म दुबे नाम है मेरा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के घर के ठीक नीचे। ये इमारत है, बहुत ही सैकड़ों की भीड़ यहाँ लगातार जुड़ते जा रही। जो भी उनके फैंस हैं सभी चौंके हुए हैं कि अचानक उनका ध्यान कैसे हो गया। हमारे पास, हमारे साथ इस समय सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत बड़ी फैन इस समय है, फ्रेंड है। क्या नाम है आपका जी? शीना शाहबादी। टीना, ये बताएं कि शीना ये बताएं कि अचानक ही जब आपको पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला अब बीच नहीं रहे हमारे। मैं वही बोले जा रही हूँ कब से कि मैं खुद शॉक में हूँ। इनफैक्ट मेरे 13 साल से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं एंड अभी 2 हफ्ते पहले ही उनसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे कि चलो वीडियो करते हैं, तो इधर खा अभी इतने दिन आ गए ऐसे वैसे कुछ हम लोग मस्ती कर रहे थे। ही वॉज अ वेरी फन लविंग गाय। सो आई माई सेल्फ आई एम इन शॉक राइट नाउ दैट ही इज़ एक्चुअली नो मोर, क्योंकि मुझे ऐसी व्हाट्सएप आज खोली थी मैं तो स्टेटस मेरे कास्टिंग डायरेक्टर फ्रेंड के स्टेटस पे था रेस्ट इन पीस। तो मैं बहुत शॉक थी, तो मैं खुद अभी नहीं समझ आ रहा है और मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद कुछ क्लू नहीं है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। मैं उसी के लिए वेट कर रही थी कब से कि वो। आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी आपके सिद्धार्थ जी से? आखिरी बार 1.5 महीना तो हो ही गया है, लेकिन मैं उससे बात ज़रूर कर रही थी तो ऑन गोइंग लाइक एवरी डे तो नहीं हो रहा था, लेकिन वीक में 1-2 बार बात हो ही रही थी। सीना, जैसा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर इसके अलावा कुछ और आपको शंका जैसी फील हो रही? मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं कोई भी नहीं हूँ कि शंका करूँ कि यू नो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं रिक्वेस्ट वही कर रही हूँ मीडिया से भी, बिकॉज इवन आई एम अ इंडस्ट्री गर्ल माई सेल्फ, सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी स्पेकुलेशंस कम की जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि फैमिली वाले बोलेंगे आके सामने तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग को बोलने का कोई हक नहीं है ना, हम लोग को पूरी न्यूज़ खुद ही नहीं पता तो हम लोग बोलेंगे भी क्या। लेकिन अटैक जो एक बीमारी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से, आपको लगता है 1.5 महीने पहले आपकी मुलाकात हुई थी, आपको लगता है सिद्धार्थ शुक्ला इस तरीके से स्ट्रेस से? बिल्कुल भी नहीं, 0%। क्या जिंदगी चल रही थी? आप बड़ी करीबी से उनके घंटों आप साथ रहती थी, कैसी जिंदगी उनकी चल रही थी? मैं नहीं बोलूंगी बट हाँ, जब भी मिलते थे हम लोग मिलते थे ही वॉज ओनली फन लविंग गाय। आई डोंट नो एनीथिंग एंड आई एम नोबडी टू कमेंट। यही मैं बार बार बोली जा रही हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि उन पर मैं कॉमेंट करूँ कि वो स्ट्रेस में थे कि नहीं थे, क्योंकि मुझे सही में कुछ नॉलेज नहीं है, 0 नॉलेज है मेरे। आप लोग जैसे वेट कर रहे हैं कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले, मैं खुद वेट कर रही हूँ कब से मुझे कुछ पता लगे कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं कुछ उल्टा बोलना नहीं चाहती ना सीधा बोलना चाहती, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं बोलूँ क्या। जैसा कि आपने बताया आप सिद्धार्थ के फ्रेंड हैं, तो पिछली बार जब मुलाकात हुई थी या फिर कोई ऐसी खास